तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो वीवो प्रो कबड्डी लीग है, इसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 25वां मैच। और भाई आज आपको बता दूं तीन मैच खेले जाने, तीनों के तीनों मैच मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ, तो तीनों की वीडियो आएगी। और उम्मीद है भाई तीन मैच के तीनों मैं आपको विन करवाऊँ, लेकिन भाई कम से कम तीन में से दो या मतलब कोई भी दो मैच आप यहाँ पर सोच सकते हो कि कोई भी दो तो हमारे अल्ट्रा क्लीनशिप जाने वाले हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रख के चलना, क्योंकि मैच भाई काफी अच्छे होने वाले हैं आज के, और मेरे को लग रहा है कि तीन में से कोई ना कोई दो मैच तो हमारे लिए बिल्कुल ही जैकपॉट जाने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज कंप्लीट देख लेना, और साथ ही स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फाइनल टीम है वो भाई अभी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और भाई नई साल के आई है, हमारे लिए अच्छे दिन भी आ गए हैं, क्योंकि लास्ट के मतलब आज और कल को छोड़ दो तो उससे पहले के तीन दिन भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे थे हमारे लिए। ये भाई आज आप देख सकते हो बिग बैश में हमने जैकपॉट मारा है, उससे पहले भाई ऊपर अगर हम थोड़ा सा ऊपर चल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक वनडे मैच हुआ था उसमें भाई आप देख सकते हो, मतलब आप यहाँ पर देखो मतलब सॉरी भाई यहाँ पर आप देखोगे एक भी कॉन्टेस्ट मतलब हमारे मेंबर्स ने आ रहा नहीं है। ये आप ही लोगों के भेजे हुए स्क्रीनशॉट है जो पहले से मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। और भाई जो अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको फाइनल टीम भाई वहीं पर मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, फाइनल टीम के बिना भाई विनिंग होना मतलब मुश्किल क्या है, ये मान लो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई तुक्का अगर आपका लग जाए तो ही भाई आप विन कर सकते हो, बट मैं आपको फिर भी यही बोलता हूँ कि फाइनल अपडेट आप लो स्टार्टिंग सेवन में, आपको बताऊंगा साथ ही कुछ प्लेयर्स बताऊंगा, उन प्लेयर्स को ट्राई करके आप अपनी टीम बनाओ। बिल्कुल कॉपी पेस्ट आप कभी मत करो, क्योंकि यार बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे ना तो भाई आप लाइफ में कभी भी मतलब लंबे टाइम तक फैंटेसी में विनिंग नहीं करने वाले, ठीक है। खुद का दिमाग लगाओगे, स्टैट्स आप लो, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, तो प्लीज वीडियो देखो और फिर टीम आप बनाने की कोशिश करो। अगर भाई आप बिल्कुल ही न्यू हो फैंटेसी में तो भाई अब सॉरी भाई आज यार थोड़ा गला सा खराब हो रखा है, तो अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो फैंटेसी में तो भाई आप थोड़े दिन कॉपी पेस्ट करके खेल सकते हो, उसके बाद भाई आपको टीम बनाना सीखना होगा, और भाई टीम बनाने से ही आपकी विनिंग होगी, ये भाई आप लिख के ले लो मेरे से। साथ ही ग्रैंड लीग में आप यहाँ पर आज हाथ आजमा सकते हो, क्योंकि मैच भाई पहला काफ़ी बड़ा है, यू मुंबा वर्सेज यूपी योद्धा का, एक साइड से जहाँ पर अभिषेक सिंह स्टार रेडर है, दूसरी साइड प्रदीप नरवाल, एक साइड भाई जहाँ पर मतलब डिफेंस में फजल अत्रा चलिए, तो दूसरी साइड भाई यहाँ पर नीतीश कुमार, तो बेहतरीन से भी ऊपर के यहाँ पर दोनों साइड डिफेंड है और बेहतरीन से भी ऊपर के दोनों साइड रेडर है, ठीक है। साथ ही आपको यहां पर एक उभरता हुआ सितारा है जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी टीम में 101% होना चाहिए, भाई काफी कमाल का खेल रहा है बंदा, और मेरे को लगता है कि इस मैच में हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले भाई बात कर लेते क्या स्टार्टिंग सेवन रहेगी और क्या भाई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही है। तो यहाँ पर अगर भाई बात करें यूपी योद्धा की स्टार्टिंग सेवन की, तो प्रदीप नरवाल मेन रेडर रहेंगे, ठीक है। जो इनके सेकंड रेडर है वो भाई श्रीकांत यादव होने वाले, या फिर सुरेंद्र गिल, सुरेंद्र गिल भी भाई सेकंड रेडर का रोल निभा सकते हैं, या फिर श्रीकांत यादव भी। इनके स्टैट्स आप देख सकते हो जो भाई मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे नहीं, ये बस मैंने ऐसे ही लिख दिए, मतलब आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आशु सिंह राइट कॉर्नर खेलेगा, नीतीश कुमार राइट कॉर्नर खेलेगा, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर खेलेगा भाई, और यहाँ से भाई अरे यार क्या है ये जो लेफ्ट कॉर्नर खेलेगा, ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ पर सुमित की बात करें, सॉरी भाई नीतीश कुमार राइट का, अरे एक मिनट भाई, नीतीश कुमार राइट कॉर्नर खेलेगा और आशु सिंह राइट कवर खेलेगा। इसके अलावा सुमित कुमार है ना वो राइट कवर खेलेगा और भाई सॉरी लेफ्ट कवर खेलेगा, और शुभम कुमार लेफ्ट कॉर्नर खेलेगा, ठीक है। और रोहित तोमर भाई सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पर पॉइंट हमको लास्ट में दे जाते हैं, तो अगर आप रोहित कुमार को ट्राई करना चाहो तो भाई ग्रैंड लीग में आप खेल इसे ट्राई कर सकते हो, एक बेहतरीन से भी ऊपर का आपके लिए प्लेयर होने वाला है, एक बेहतरीन प्लेयर ये मेरे को लगा इसीलिए भाई मैंने इसको मैंशन कर दिया। वही अगर बात करें यहाँ से अभिषेक सिंह मेन रेडर है, और भाई वी अजीत कुमार, अजीत वी कुमार या वी अजीत कुमार जो भी आप इसे बोलना चाहो, भाई बेहतरीन से भी ऊपर की परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर टोटल देखोगे तो भाई मेरे हिसाब से मेरे को जो इस सीजन लगा अभिषेक सिंह से ज्यादा इंप्रेस भाई अजीत वी कुमार ने किया, और भाई मेरे हिसाब से आपकी टीम में अजीत वी कुमार होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक सिंह के क्रेडिट काफी आई और आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हो। यहाँ से भाई फजल अत्रा चली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा भाई यहाँ से मोहसेन को आप ट्राई कर सकते हो, ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेगा। हरेंद्र कुमार भाई थोड़ा थोड़ा फॉर्म में वापस आ रहा है तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, रिंकू को आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, आशीष कुमार सांगवान को अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट आपको यहां पर ड्रीम इलेवन पर लेकर, आपको भाई यहां पर क्रेडिट इशू आएगा, लेकिन उसके बाद भाई मैं आपको
लेके चलूंगा 11 चैलेंजर्स पर। यहाँ पर आपको ना तो कोई क्रेडिट इशू आने वाला है, और ना ही भाई आपको कोई दिक्कत आएगी विनिंग में। कल भी भाई हमने यहाँ पर दोनों के दोनों मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप किए, बिल्कुल अल्ट्रा क्लीन स्वीप, ठीक है। और आज भी भाई मैं आपको दोनों के दोनों मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप ही देने वाला हूँ, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले ड्रीम इलेवन की टीम मैं आपको बना के दूंगा। तो यहाँ से देखो, फजल के पास प्रदीप नरवाल है भाई, वो लेफ्ट राइट दोनों साइड खेल लेता है। तो फजल भाई लेफ्ट में आपको मतलब कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पर आपको डिफेंस करते नजर आएंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं प्रदीप के लिए। प्रदीप भाई अलग से जाएगा हरेंद्रा की साइड, हरेंद्र कुमार की साइड, और यहाँ से भाई पॉइंट निकाल कर ले आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रदीप लेफ्ट राइट दोनों साइड से चला जाता है और दोनों साइड से रेडिंग कर लेता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। लेकिन भाई यहाँ से मेरे को नहीं लगता कि प्रदीप के अलावा सुरेंद्र गिल या श्रीकांत यादव किसी को भी भाई आज चलने देने वाले हैं फजल वाली टीम, क्योंकि भाई फजल भी लास्ट मैच में पॉइंट लेके आ रहा है और भाई काफी अच्छी वापसी कर चुका है फजल। अदरवाइज भाई इसका सिलेक्शन भी डाउन हो रहा था, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सिलेक्शन के साथ साथ यार परफॉर्मेंस एक बार भी नहीं आई थी पूरे टूर्नामेंट में। प्रदीप भी भाई अभी इतनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी भाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां से रहने वाले हैं। नीचे की साइड अगर आप आओगे तो आप यहां से सुरेंद्र गिल को ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा इस मैच में। यहां से भाई अजीत कुमार को आप ट्राई कर लो, सुरेंद्र गिल को और श्रीकांत यादव को, और ऊपर से अभिषेक सिंह को, इन तीनों को भाई आप लेके जा सकते हो ग्रैंड लीग या फिर मिनी जीएल में, ठीक है। यहां से भाई अगर मैं आपको बताऊं तो नीतीश कुमार है जो भाई बिल्कुल भी पॉइंट नहीं लेने देगा आज मेरे हिसाब से यहां से अभिषेक को। इसके अलावा भाई नीतीश कुमार की के अलावा बात करें तो ऐसे सुमित और आसू दोनों भाई इतने खतरनाक मतलब फॉर्म में है, और भाई ये मेरे हिसाब से आज पॉइंट नहीं देने वाले, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से अगर डिफेंस की बात करें तो रिंकू एच से आपकी टीम में जरूर रहेगा, क्योंकि आपको देखो क्रेडिट मैनेज करके देगा, साथ ही साथ भाई आपके लिए एक डिफेंस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ से मोहसिन को मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और अदर ऑप्शन मेरे को इतना अच्छा दिख नहीं रहा। गुरदीप को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट ड्रॉप करके चलोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास पॉइंट बचते हैं, लेकिन भाई अब यहां से दिक्कत आ जाएगी। देखो ना तो हम हरिंदर को पिक कर पाएंगे, ना भाई मतलब आसू सिंह को पिक कर पाएंगे। तो ये अगर आप मैनेज कर पाओ तो यार कैसे भी मैनेज कर लेना, बट अब यार इससे ज्यादा तो हम किसको ड्रॉप करें, ठीक है। तो यहां से भाई फजल को अगर आप ड्रॉप करके यहाँ से आप हरेंद्र कुमार के साथ जाते हो तो भाई वो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की टीम हो गई, मैं ये काम नहीं करने वाला। फजल मेरी टीम में 100% रहेगा, और यहाँ से भाई मैं अभी के लिए आसू सिंह को ड्रॉप कर रहा हूँ। रीज़न भाई सिंपल सा है, क्योंकि यार मैं पिक कर नहीं कर पा रहा कि किसको मैं अब मैं अपनी टीम में लूँ इसकी जगह पर, तो इसीलिए भाई मेरे को मजबूरी में यहाँ पर रोहित तोमर के साथ जाना पड़ रहा है। बाकी मैं आपको बताऊँगा फाइनल टीम में मैनेज करके कैसे ना कैसे मैं आपको एडजस्ट करके बताऊँगा कि कौन से प्लेयर आपकी टीम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अभी के लिए भाई ये ड्रीम इलेवन की टीम होने वाली है, एक बार मैं फिर से प्रीव्यू दिखा देता हूं, सीवीसी की बात करेंगे, लेकिन पहले भाई मैं आपको यहां पर मेरी फाइनल टीम बना के दिखा देता हूं। यहां से फजल हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो यहां से अरिंदर कुमार को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। यहां से अगर बात करें तो देखो सुमित और आसू दोनों आपकी टीम में रहने चाहिए, बाकी अगर आसू की जगह पर अगर आप चाहो तो नीतीश कुमार को ट्राई कर सकते हो, जो बेहतरीन से ऊपर का आपके लिए डिफेंडर होने वाला है, ठीक है। अरिंदर को अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी रिंकू एचसी भी आपके लिए एक बेहतरीन पिक हो सकता है। और यहां से भाई आप मोहसिन को ट्राई कर लो, और यहां से भाई देखो अभिषेक सिंह को और वी अजीत कुमार को और यहाँ से प्रदीप को, तीनों को तो हम ट्राई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई फिर आपको यहाँ से एक डिफेंडर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से रिंकू एचसी पे रिस्क लेके यहाँ से आप तीनों मेन डिफेंडर भी पिक कर सकते हो, ठीक है, सॉरी तीनों मेन रेडर भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो एक तो आपका ये कॉम्बिनेशन बन गया, और बट मेरे को ये इतना सक्सेसफुल नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आज अभिषेक सिंह को पॉइंट लेने देंगे, ठीक है। अगर अभिषेक सिंह पॉइंट लेता है तो भाई आप मतलब वो तो फिर ये मान लो हमारी टीम ये वाली फेल हो जाएगी, बट मेरे को नहीं लगता अगर अभिषेक सिंह पॉइंट यहां से निकाल पाएगा, तो इसीलिए मैं भाई यहां से अभिषेक सिंह को ड्रॉप करके और यहां से भाई हरेंद्र कुमार के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये भाई हरेंद्र कुमार, ये भाई इनके जो सेकंड और थर्ड रेडर श्रीकांत यादव और सुरेंद्र गिल, इनको भाई बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ये मेरे को लग रहा है ऐसा। तो मेरे हिसाब से भाई ये टीम हमारी बेस्ट रहेगी। और सीवीसी की बात करूँ तो कैप्टन मैं प्रदीप नरवाल को दे रहा हूँ, वॉइस कैप्टन। अगर आपको थोड़ा डिफरेंशियल चाहिए तो भाई आप यहाँ से फजल अतरच अली को दे सकते हो। वी अजीत कुमार भाई मेरी खुद की स्पेशल पिक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से अभिषेक सिंह को पिक करके उसे भी वीसी दे सकते हो। बाकी यहाँ से सेफ जाना तो वी अजीत कुमार भी भाई काफ़ी सेफ ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। अभी के लिए मैं
फजल को दे रहा हूँ, वो इस कैप्टन, बाकी फाइनल टीम में देखते हैं भाई किसको क्या करते हैं। अभी के लिए कुछ इस प्रकार की हमारी टीम रहेगी। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ही भाई सीवीसी मैं सेम ही देने वाला हूँ, ठीक है। कैप्टन मैं यहाँ से दे रहा हूँ भाई प्रदीप नरवाल को, वॉइस कैप्टन की बात करें तो ऐसे फजल अतरच अली को मैं अपनी टीम में वॉइस कैप्टन दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की भाई हमारी फाइनल टीम होने वाली है ड्रीम इलेवन की। और यहाँ से भाई ये हो गई भाई उन ऐप्स के लिए, आप किसी भी एप्लीकेशन पर खेल सकते हो जहाँ पर आपको क्रेडिट इशू नहीं आ रहा। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको इलेवन चैलेंजेस पर ही खेलना है, लेकिन भाई फाइनल टीम और स्टार्टिंग सेवन जो भी अपडेट आएगी ना वो सब पता लगेगी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइनल टीम के साथ साथ फाइनल अपडेट सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन आपको कर लेना है, अदरवाइज भाई फिर कोई फायदा नहीं आपको वीडियो देखने का। और बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आया ना कि कौन सा प्लेयर कौन से साइड खेलेगा, राइट कॉर्नर कौन है, लेफ्ट कॉर्नर कौन है, तो ऐसे भाई मैंने ऑलरेडी आपके साथ यहाँ से स्टैट्स शेयर कर दिए। ये तो भाई यू मुंबई के हैं, और अगर यहाँ से बात करें देखो यू मुंबा के अलावा तो यहाँ से भाई यूपी योद्धा के स्टेट्स है, तो देख सकते हो यहाँ पर भाई मैंने क्लियर लिख सकता है लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर सब कुछ मैंने यहाँ से लिख रखा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, एक बेहतरीन चीज़ आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से भाई अगर बात करें तो यहाँ से भाई यूपी योद्धा की मैंने आपको स्टार्टिंग सेवन और यहाँ पर लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर सॉरी लेफ्ट कवर लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर राइट कॉर्नर तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये भाई स्टेट्स एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप वैसे भी ध्यान में रख सकते हो, और इसके बेस पर भाई आप अपनी जी की टीम भी बना सकते हो। बेहतरीन मैच ही हमारे लिए होने वाला है, और मैं भी मिलता हूं दोस्तों आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।